Hello friends, how are you all? So we are continuing with पेशी formation, active to पेशी. इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास कर रखी है, जिसमें प्रेजेंट ग्रुप का हो गया था और पास्ट ग्रुप का हो गया था. पैटर्न बिल्कुल वही है, आज हम फ्यूचर ग्रुप का करने जा रहे हैं. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, प्लस उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना और हर एक टेंस के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है. और क्यों चाहिए पेशी, वाई आर वी लर्निंग पेशी, वाई बिकॉज सम टाइम वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू ऑब्जेक्ट. ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन द प्रीवियस वीडियोस, तो आप लोग देख सकते हैं बार बार उसको और समझ सकते हैं. और कुछ प्रॉब्लम लगती है, यू कैन लीव द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई इन दैट ऑल्सो. लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें इतनी दिक्कत आती नहीं है. तो आज फ्यूचर ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं. अब फ्यूचर ग्रुप में दो के ही बनते हैं. अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे प्रेजेंट ग्रुप का और पास्ट ग्रुप का, तो उसमें तीन तीन के बने थे. किसके नहीं बने थे? परफेक्ट कंटीन्यूअस के. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नहीं बने और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नहीं बने. उसका रीज़न क्या था कि बी की फॉर्म की लिमिट ख़त्म हो जाती है. बी की फॉर्म की लिमिट क्या है वो एक बार और समझो. बी की फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके एक रख सकते हैं और साथ में ओरिजिनल फॉर्म एक आ सकती, चाहे वो आईएनजी फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में हो. लेकिन हम दो ओरिजिनल बी की फॉर्म एक साथ नहीं रख सकते कि बीन बीइंग रख दिया, बी बीइंग रख दिया. इसी वजह से वो एक लिमिटेशन आ जाती है और वो लिमिटेशन आज आपको ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आज ओनली टू टेंसेज विच वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पेशी. लेट्स सी, मैंने लिख के रखा है टू सेव द टाइम. एक्टिव टू पेशी पार्ट थ्री हो गया ये आपका, फ्यूचर ग्रुप का है. फ्यूचर सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखा है विल एंड शैल, एंड उसके साथ में मेन वर्ब क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ दिया है पेशी बनाने के लिए, मैंने जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बी की फॉर्म जुड़ती है, अब इसमें ओरिजिनल बी की फॉर्म जुड़ गई ऐसा, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में, और ये हो गया. बाकी प्रोसेस रिमेन सेम, एक्टिव से पेशी बनाने के लिए जो भी है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, वो तो वैसे ही रहेगा. अब ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्लियर भी होता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ता भी है. कई बच्चे बचपन से ये देख लेते हैं कि विल बी शैल बी कहीं लिखा हुआ आ गया तो सर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस कब होगा? जब इसके आगे आईएनजी जुड़ा होगा. मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी है, तब आईएनजी होना चाहिए. इसमें भी तो हेल्पिंग वर्ब यही है लेकिन थर्ड फॉर्म है. सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द फॉर्मेशन की क्या है ये पहचानने के लिए. अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बीन जोड़ा थर्ड फॉर्म बी की और उसको हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, सेम इट इज़ हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे बीन जुड़ गया, बाकी थर्ड फॉर्म विल रिमेन एज इट इज, थर्ड फॉर्म है ही. मैटर एंड्स नाउ वी हैव ऑलरेडी रीच टू बीन. अब इसका पूरा का पूरा ही हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गया, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. उसके आगे आईएनजी जुड़ गया, पेशी पॉसिबल नहीं. अब इसमें कौन सी फॉर्म लेके आ सकते हैं, बी की कोई भी नहीं ला सकते, तो इसी वजह से पॉसिबल नहीं है. अब ये दो के ही पॉसिबल हैं. अब दो के पॉसिबल हैं तो जहाँ जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो वाली लाइन में मिटा देता हूँ, और इसके नीचे मैं आपको इसके एग्जाम्पल करके बता देता हूँ. तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉसिबल नहीं है, तो ये मैंने मिटा दिया. ओके, उसके बाद ये भी आपको बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं मिटा देता हूँ. अब ये दो रह गए, इसके नीचे अपन एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो सपोज आई से लाइक दिस, ही विल राइट ए नॉवल नेक्स्ट ईयर. अब ये आपको एग्जाम में आ गया चेंज करने के लिए. मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो उसके चार आंसर होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट वाला यूज करना है आंसर देने के लिए, और लिखने के लिए होगा तो आपको बनाना है. कई सारे पैटर्न हैं, कई बार ऑब्जेक्ट आगे रख के दे देते हैं, उसके बाद ब्लैंक बना के दे देते हैं, बीच में वर्ब भी भरवा देते हैं. देर आर प्लेंटी ऑफ मोड टू आस्क यू ऑल दिस थिंग, बट इफ यू नो द बेसिक्स आई थिंक यू वॉन्ट हैव एनी ट्रबल. सो बेसिक वी मस्ट नो कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है सर, ये पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता.
whether you know the basic things or not. If you know, then let it be any pattern, you can do it. अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है, जैसा हम लोगों ने सीखा है. अब ये आगे आ जाएगा तो ये ए नोवल ऐसे कैसे आ गया, बिकॉज नाउन है, कोई चेंज होने वाला नहीं. विल हेल्पिंग वर्ब है, ओके. इसमें आपको जोड़ना क्या था एक्स्ट्रा, बी. अगर रूल आप देखोगे तो ये देख लो आप, बी जोड़ दिया. अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटर्न. सो ए नोवल विल बी रिटर्न बाय, यहां ले लो और ये हिम यहां आ जाएगा, ये ही बनकर हिम. और नेक्स्ट ईयर जहां है वहीं छोड़ दो, वापस तैयार हो गए. सो क्या आंसर आ गया इसका, ए नोवल विल बी रिटर्न बाय हिम नेक्स्ट ईयर. आप चाहो तो इसको आगे भी रख सकते हो नेक्स्ट ईयर को, उस आंसर में भी देखना पड़ता है कहां पे रख के उन्होंने दिया, बट प्रैक्टिकली यही आंसर निकलेगा. सो ए नोवल विल बी रिटर्न बाय हिम नेक्स्ट ईयर. वह एक उपन्यास लिखेगा अगले वर्ष और एक उपन्यास लिखा जाएगा उसके द्वारा अगले वर्ष. ये फर्क आ गया, इसमें नोवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. अब एक यहाँ पे और कर लेते हैं, सपोज ही विल हैव रिटर्न, मैं इसी को ले लेता हूँ, सिर्फ चेंज कर देता हूँ टेंस. ही विल हैव रिटर्न ए नोवल बाय नेक्स्ट ईयर. अब ये एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि एक बार बाय पहले से आया हुआ है, बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं. इसका मतलब है कि वह अगले वर्ष तक, यहाँ पे आपको जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था कि बाय का मतलब यहाँ पे तक अर्थ निकालता है फ्यूचर परफेक्ट में. तो वह एक नॉवल लिख चुका होगा अगले वर्ष तक. अब इसको पेसिव बनाना है. प्रोसेस रिमेन सेम, आपका ये इधर आ गया, ये नॉवल विल है वैसे के वैसे आ गया. बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीन बन के और ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गया. थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेन वर्ब का आपके पास में है ही. सो ए नोवल विल हैव बीन रिटर्न बाय हिम, ये यहां से आ गया, और बाय नेक्स्ट ईयर तो जो था वो वैसे के वैसे ही रहेगा. तो कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो दो बार बाय है. एक बाय तो उस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाते हैं तो के द्वारा के लिए आ रहा है, और यहाँ पे जो बाई है ये है यहाँ पे तक के लिए. बाई के भी कई सारे मीनिंग होते हैं, बट एज फार एज फ्यूचर परफेक्ट इज कंसर्न, इन दैट इफ यू हैव बाई प्लस टाइम दैट बिकम्स एडवर्ब एंड दैट शोज दैट यू हैव टू फिल अ फ्यूचर परफेक्ट. सो यहाँ पे बाई का मतलब तक है. आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा. चलो एक मैं और अभी कर देता हूँ फ्यूचर सिंपल का, दोनों साइड प्रोनाउन ले लेता हूँ. सो विल अंडरस्टैंड सम मोर एंड देन क्लास विल बी कंक्लूडेड. चलो आज से मैं शैल का प्रयोग करता हूँ यहाँ पे, आई शैल हेल्प यू. अब ये देखो ये मैंने क्यों लिया है. पहली बात तो दोनों साइड मैंने प्रोनाउन लिया है आई और यू, और ग्रामेटिकली जो भी सजेस्टेड है सिंपल फ्यूचरिस्टिक के लिए हेल्पिंग वर्ब वही मैंने लिया है. ओके डन. अब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा यू. अब इसके साथ में शैल का प्रयोग नहीं होगा किसी भी हालत में, यही एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा. सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यू विल बी, और उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेल्प, और बाई मी की जरूरत नहीं पड़ती है इन केस अनइम्पॉर्टेंट की तरह मान रहे हैं तो भी, बट सीखने के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस क्लास. Now what I want to say to you, please listen to me carefully. We have completed basic formations of the passive. We have learned why do we need passive. So if you have that reasoning in the mind, then you can very well write and speak, because you know that what are you writing and what you are supposed to write. So differentiation you can make. मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने एक्टिव से पेसिव का सारा मतलब समझ लिया है और पेसिव क्यों चाहिए वो समझ में आ गया है, और ये सारी फॉर्मेशन अगर आपने सीख ली है ये समझ में आ गया है, तो आपके पास में बेहतर एक समझ पैदा हो जाती है कि मुझे किस सिचुएशन में कौन सा वाक्य लिखना है, उस पर्टिकुलर टेंस का एक्टिव लिखना है या पेसिव लिखना है. अगर वो समझ हम में पैदा हो जाती है देन वी राइट सो वेल
आपके रिपोर्ट्स लिखने आएंगे, कुछ भी लिखना आएगा, डिस्क्रिप्शन लिखना आएगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें आपको बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे है ही कि भाई आपको एक्टिव से पेशी, पेशी से एक्टिव करना, फिलिंग दी ब्लैंक्स भी बन सकता है, उसका मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ अभी, कुछ आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स वगैरह भी बताऊँगा अगली क्लास के अंदर, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा और चेंज करके भी बताऊँगा। तो सो व्हाट आई टोल्ड यू, प्लीज़ फॉलो दैट, बी सो कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर एक्टिव एंड पेसिव। यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश वेयर यू नीड एक्टिव एंड वेयर यू नीड पेसिव। अगर ये आप में कैपेसिटी आ गई, ये कैपेसिटी आपने डेवलप कर ली, आई होप यू विल बी हैविंग वेरी वेरी कम्फर्टेबल लाइफ इन राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज आर वॉचिंग, प्लीज subscribe if you are not subscribed yet, and if you have subscribed, please tell others also to subscribe, because these videos you can watch again and again. It is not like just YouTube videos for professional reasons. We are not here professionals, we are just doing the service. Why? Because during lockdown period we don't have any work to do, so better we thought of making some videos and giving to our students, those are studying in our academies, as well as those are watching, they can also learn. What is harm in that? So in that we only we are making videos, so our classes are like classes only. It's not that only for the likes and for the other thing or for the views we are making the videos. So keep watching, but subscribe. Why? Because that is needed for some other purposes, then we can start the live classes. After 1000 subscribe people, we have the rights to give the live telecast. तब आप लोग लाइव देख लोगे, अभी हम लाइव दिखा नहीं सकते, इसलिए दिक्कत आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन।